बेगूसराय में बढ़ते अपराध के बीच चोरों का आतंक भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक बार फिर खिड़की का ग्रिल तोड़कर चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पूरी घटना नगर थाना क्षेत्र के स्वामी सहजानंद नगर मोहल्ले की है। बताया जाता है कि बरौनी के रहने वाले जयशंकर सिंह सहजानंद नगर के सुधीर कुमार के मकान में पिछले 5 साल से किरायेदार के रूप में रह रहे थे। वह पिछले 2 दिनों से अपने गांव गए हुए थे। इस बीच चोरों ने घर के पीछे खिड़की का ग्रिल खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ और गोदरेज तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान चोरों ने गोदरेज में रखे करीब 15 लाख रुपए मूल्य के सोने के जेवरात, करीब 20,000 नगद और 15,000 के सिक्के की चोरी कर ली है। घटना की सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जाँच पड़ताल की है। हाल के दिनों में बेगूसराय में लगातार शहरी क्षेत्र में चोरों के द्वारा घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन किसी भी मामले में पुलिस ना तो चोरी के सामान बरामद कर पा रही है, ना ही चोरों को गिरफ्तार कर पा रही है। मेरे घर में एकदम देख सकते हैं खिड़की काट के एकदम चोर घुसाया और लगभग 12 से 15 लाख का एकदम पूरा गोदरेज का एकदम पूरा लॉकर सब तोड़ के, तब 12 से 15 लाख का समथिंग का ज्वेलरी था मम्मी का, वो सब चोरी कर लिया। और कुछ कैश था और कुछ पुराने सिक्के थे जिसका वैल्यूएशन लगभग 15,000 के आसपास रहेगा, तो वो सब भी उधर से चोरी हो गया मेरे रूम से। इधर यहाँ पे मम्मी के पर्स में कैश था लगभग, वो भी 20-25 हज़ार के आसपास कैश होगा, 15,000-20,000 अभी टोटल हमको नहीं पता एग्जैक्ट, क्योंकि हम देखे नहीं थे, लेकिन सब 15-20 हज़ार के आसपास कैश था। ये चोरी हम लोग गांव गए हुए थे बस, तो लगभग उधर वो गुटखा का एकदम थूक फेंके हुए था तो वो एकदम पानी से बह गया, तो इससे अनुमान लगा सकते हैं सब कल रात को ही घटा है, बस 2 रात के लिए गांव में थे। तो कैसे जानकारी मिला ये चीज़? हम लोग जैसे अभी जस्ट सुबह को 10-10:30 बजे के आसपास आए थे और तब जैसे ही गेट सामने वाला एकदम वही सही था, इंटर का एकदम ताला लगा हुआ था, जैसे ही ताला खोल के अंदर घुसे तो देखे गेट हम बंद करके गए थे दोनों रूम का, लेकिन गेट खुला हुआ था, तो मम्मी आ गई थी तो मम्मी आई देखी और तब देखी एकदम कपड़ा फेंका हुआ है ऐसे, गोदरेज ऐसे ही खुला हुआ है और खिड़की ऐसे ही था, तब मतलब उसी से लगा कि चोरी हो गया है। तब हम लोग मकान मालिक को बुलाए और तब धीरे धीरे फिर पुलिस को फ़ोन किए और भी लोग आए।